नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे इंडिया में लोहड़ी का दिन है, जिस दिन सब फार्मर्स और पंजाब वाले जो किसान लोग होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनका दिन होता है कि इस दिन वो सब अपनी सब फसलों को काट के, जो उन्होंने गेहूं और बाकी चीज़ें उगाई होती हैं उनको काट के फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें एक बॉनफायर होती है, जैसे आग जलाते हैं उसमें कुछ ये मूंगफली और बाकी जो दाने वगैरह होते हैं वो डालते हैं, और उसमें सब आसपास सब लोग अच्छे से गाने वगैरह गाते हैं, ढोल बजाते हैं, डांस होता है, बहुत मज़ा आता है, और सब एक दूसरे को बोलते हैं हैप्पी लोहड़ी सब, और अपने आस पड़ोस में सब को ये जो मैंने प्लेट में सजा के रखा है ऐसे आस पड़ोस में सबको जाके बांटते हैं। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ वापस आती हैं, किसी की मदद करने से अल्लाह आपकी मदद करते हैं, भगवान आपके लिए खड़े होते हैं। किसी की बुराइयाँ करोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, किसी के लिए आपके दिल में नफ़रत होगी तो वही आपको वापस मिलेगा। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि सब आपस में मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे को प्यार करें, प्यार बांटें, और हमेशा एक दूसरे के लिए मददगार हों, मदद करें उनके लिए। जब भी कोई आपका पड़ोसी या आपका जानने वाला किसी मुश्किल में हो तो उनके साथ रहें, मिल बांट कर खाएं, जो कमाएं उसको मिल बांट कर खाएं। कभी भी इतने प्राउडी मत हो जाइए कि आप किसी को देखें तो उसको देख के जलें, या खुद के पैसे का आपको घमंड हो, ऐसा हरगिज़ ना करें। और भगवान का, अपने अल्लाह का शुक्र करें कि उसने आपको नवाजा है। अगर उसने आपको नवाजा है तो उसकी बेशकीमती दौलत से, उसकी बेशकीमती तोहफ़ों से अगर आप किसी को थोड़ा दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो देने वाला आपको और देगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ आएंगी आपके घर में, और अगर गम बांटेंगे, अगर लोगों की बेइज्जती करेंगे, वही आपकी झोली में आके गिरेगा। यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, और आप सबको भी लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया में एक और त्यौहार होता है मकर संक्रांति, वो भी इससे ही मिलता जुलता है, और उसमें भी तिल के लड्डू और सब बनाया जाता है, और उसमें भी पूजा वगैरह और बाकी सब होता है। जो भी त्यौहार हैं अच्छा सिखाते हैं, आप भी अच्छा करिए और अपने भगवान से, अपने ऊपर वाले से अच्छा ही पाइए।